वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा आपकी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि फाइंड x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 6, हेंस आर अदरवाइज इवेल्युएट दिस। ठीक है, तो पहले हमें तो सॉल्व इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पहले दिया है कि पहले आपको इसको सॉल्व करना है, x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 6। देन इसके बाद से आपको पूछा गया है कि इसको हमें हेंस आर अदरवाइज इवेल्युएट दिस, यानी इसको हमें सॉल्व करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका एज इट इज़ था, आपकी क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का एक्सपेंशन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें दे रखा है कि हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, तो हमें अगर इसको एक्सपेंड करें तो पहले हम लोग पहले जो हमारा पहला टर्म दे रखा है ना एक्स प्लस 1 का पावर 6, पहले हम इसका एक्सपेंशन नोट डाउन करते हैं, देन हम लोग दूसरे वाले का एक्सपेंशन नोट डाउन करेंगे और दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो फिर हम देखेंगे आखिर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6c0 एक्स का पावर 6 1 का पावर 0, फिर आपको मिलेगा c61 एक्स का पावर 5 1 का पावर 1, देन आपको मिलेगा प्लस c62 एक्स का पावर 4 1 का पावर 2, देन आपका मिलेगा c6c3 एक्स का पावर 3 1 का पावर 3, देन आपको मिलेगा प्लस 6c4 एक्स का पावर 2 1 का पावर 4, देन c6c5 एक्स 1 का पावर 5 प्लस 6c6 एक्स का पावर 0 1 का पावर 6 एंड प्लस। अब हम लोग दूसरे वाले का एक्सपेंशन नोट करते हैं, जो दूसरा टर्म हमने दे रखा है, हम इसका एक्सपेंशन अगर नोट डाउन करें तो आप देखोगे आपको क्या मिलने वाला है, तो c60 एक्स का पावर 6 माइनस 1 का पावर 0 प्लस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से नोट डाउन करता हूँ ताकि हमें समझने में इजी होगा। मैं दूसरे वाले का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 6c0 एक्स का पावर 6 माइनस 1 का पावर 0 प्लस 6c1 एक्स का पावर 5 माइनस 1 का पावर 1। ठीक है, माइनस 1 का पावर 1 का मतलब क्या है कि अब जब यहाँ पे आपका पावर ऑड नंबर में आ रहा है ना, पावर जब आपका ऑड नंबर में आ रहा है मतलब कि माइनस 1 का पावर आप 1 लोगे, तो इसको हम लोग माइनस करके हम यहाँ पे सिंपली 1 लिख सकते हैं कि 1 का पावर 1। ठीक है, फिर अगला टर्म में क्या मिलने वाला है, तो प्लस 6c2 एक्स का पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ तो प्लस ही रहने वाला है, माइनस को हम जब दोबारा सॉल्व करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन आपको प्लस मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अगला मिलेगा अगेन आपका नेक्स्ट टर्म क्या है, तो 6c3 है x का पावर 3 है और माइनस 1 का पावर जब आप 3 करोगे तो माइनस 1 का पावर 3 क्या होता है, माइनस 1, यानी यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा, माइनस का, और इसको मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, यानी इसको हम सॉल्व कर देंगे बाहर माइनस आ जाएगा। फिर 6c4 x का पावर 2, अगेन माइनस 1 का पावर 4 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा। प्लस अगेन आपको 6c5 मिलेगा, x का पावर 1 मिलेगा, माइनस 1 का पावर 5 लिखो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ पे 1 कर दो। आखिरी टर्म आपको मिलेगा c66 x का पावर 0 माइनस 1 का पावर 0। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक्सपेंशन रहा। तो आप देखोगे कि ये हमारे टर्म्स जो भी आपके ऑड नंबर्स वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे ये आपका इससे कैंसिल आउट एकदम सेम है, ये आपका इससे कैंसिल आउट एकदम सेम है, और ये आपका 5 वाला इससे कैंसिल आउट एकदम, दोनों हमारे सेम है। तीन टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आप दोबारा समझ लेंगे कि जहाँ भी ऑड नंबर आया वहाँ माइनस 1 का पावर ऑड करने पे हमें माइनस साइन बाहर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स कौन कौन से बचते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये बचता है, ये एक ये टर्म बचता है, ये और ये टर्म, देन आपके पास बचता है ये वाला और ये वाला टर्म, देन आपके पास बचता है ये वाला टर्म, और देन लास्ट वाला और ये वाला टर्म। यह टर्म्स हमारे पास बचेंगे, इनको हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं, मैं सारे चीज़ को हटा देता हूँ ताकि समझने में इजी होगा। ठीक है, तो अगर इनको हम नोट डाउन करें, पहले इसको नोट डाउन करते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको नोट डाउन करें, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में 6c0 एक्स का पावर 6
फिर इसको हम नोट करते हैं, देखो 1 का पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ भी आपको 1 का पावर माइनस 1 का पावर 2 दिया है, 1 का पावर कुछ भी कर लो आना 1 ही है, तो मैं डायरेक्ट नोट करता हूँ प्लस में 6c2x का पावर 4 प्लस, यहाँ भी सेम चीज़, ये 4 वाला हमारे पास बचा हुआ है ना, तो 1 का पावर 4 है 1 ही होना है, यहाँ भी माइनस 1 का पावर 4 है 1 ही हो जाना है, तो 6c4, देखो दो दो बार लिखा है ना इसलिए बाहर मैंने 2 कॉमन कर दिया है, और लास्ट में आपको मिलेगा c6c6x का पावर 0, तो ये आपको मिल गया इसका एक्सपेंशन। यानी फाइनली हमें सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है अगर देखा जाए तो 2, ठीक है, 6c0 को आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ये x का पावर 6 बचेगा, प्लस में जब हम 6c2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी हमें मिलेगा 10, क्या मिलेगा 15, सॉरी क्या मिलेगा 15, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 15x4 प्लस, अगेन 64 को सॉल्व करूँ तो सेम 15x2 और यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा 1, तो ये हमारा इन दोनों का एक्सपेंशन आ गया, इन दोनों का एक्सपेंशन आ गया। अब इसी एक्सपेंशन को यूज करते हुए हमें जो लास्ट में दे रखा था ना इवेल्युएट करने के लिए, उसको हमें इवेल्युएट करना है इनके एक्सपेंशन को यूज करते हुए, तो आपको क्या दिया था कि √2 + 1 का पावर 6 प्लस √2 - 1 का पावर 6, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, तो हमें मिलेगा क्या 2 टाइम्स एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे आपको √2 दिख रहा है, √2 का पावर 6 प्लस में 15, फिर √2 का पावर 4, फिर 15, √2 का पावर 2 और लास्ट में 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स √6 का पावर 2 यानी कि आपका ये 2 का पावर 3 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 15 × 2 का पावर 2, ये आपका बन जाएगा 15 × 2 + 1 यानी आपको मिला 2 टाइम्स ये 8, यहाँ पे आपको मिलेगा 15 × 4 = 60 + 30 + 1 यानी हमें मिल गया 2 टाइम्स 99 जो कि आपका आ गया 198। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, तो आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि सो डैट 9 9 का पावर n + 1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इसमें हमें शो करना है कि 9 का पावर n + 1 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64, ये हमें शो करना है कि आपका 64 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग कैसे शो कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको शो करने के लिए आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन याद रखना होगा कि 1 + x का पावर n आपको कहीं भी दिया जाए, 1 + x का पावर 1 आपको कहीं भी दिया जाए, तो आप इसको क्या लिख पाते हो, आप इसको क्या नोट डाउन कर पाते हो, तो आप सिंपली इसको नोट कर रहे होते हो, n + 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको हम सिंपली क्या नोट कर रहे होते हैं कि n + 1 c0 x का पावर 0 प्लस n + 1 c1 x का पावर 1 प्लस n + 1 c2 x का पावर 2 और ऐसे ही आपका लास्ट तक ये चलता जाता है प्लस n + 1 c n + 1 x का पावर n + 1, इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, आखिरी तक जाएगा, ठीक है, तो इसी को मैं यूज करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, एक्सपेंशन थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि एक्स ए के प्लेस पे आपका 1 है और बी के प्लेस पे आपका x है, बाकी हमने फार्मूला अप्लाई किया कुछ और नहीं किया है, ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास दे रखा है कि इसी एक्सपेंशन में हमारा एक्सपेंशन है, इसी एक्सपेंशन में अगर हम x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, ठीक है, पुटिंग x = 8 इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में अगर हम x के प्लेस पे 8 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1 + 8 का पावर n + 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा तो n + 1 c0 8 का पावर 0 प्लस ये आपको मिलेगा n + 1 c1 8 का पावर 1 प्लस आपको मिलेगा n + 1 c2 8 का पावर 2 एंड सो ऑन, आपको मिलेगा ऐसे लास्ट में मिलने वाला है आपको क्या, लास्ट में आपको मिलने वाला है n + 1 c n + 1 8 का पावर n + 1, इतना तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है,
देखो ये आपका 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, 9 एन प्लस 1 हमें मिल गया इक्वल्स टू में। इक्वल्स टू में हमें क्या मिला अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको दिया गया है क्या, हमें दिया गया पहला टर्म एन प्लस 1 सी 0 8 का पावर 0, तो 8 का पावर 0 आपका 1 होता है और इसको आप सॉल्व करोगे 1 ही मिलने वाला है प्लस, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे एन प्लस 1 सी 1 एन प्लस 1 सी 1 अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो हमें मिलेगा एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी सिंप्लीफाई करने पे एन प्लस 1 इंटू में एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया हमें क्या मिला एन प्लस 1 मिला। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला एन मिला, तो 8 इंटू में एन प्लस 1 आपको मिला क्या मिला एन प्लस 1 प्लस। अब यहाँ से देखो अगर आपको देखोगे तो यहाँ 8 स्क्वायर है, इसके बाद वाले टर्म में आपका 8 क्यूब आएगा, उसके आगे वाले टर्म में आपका क्या आएगा 8 का पावर 4 आएगा। यानी अगर हम यहाँ कॉमन लेना चाहें तो मिनिमम हमें कॉमन क्या मिलेगा, मिनिमम हमें यहाँ कॉमन हम 8 का पावर 2 कॉमन कर सकते हैं, तो हमें अगला टर्म मिलेगा एन प्लस 1 सी 2, इसके बाद क्या मिलेगा तो एन प्लस 1 सी 3 8। देखो यहाँ इसका जस्ट बाद वाला टर्म क्या होना था कि एन प्लस 1 सी 3 8 का पावर 3 मिलना था, तो मैंने यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन किया है तो पावर 2 कम हो जाएगा ना, तो इसी तरह मैं आखिरी टर्म क्या मिलेगा एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 8 का पावर एन प्लस 1, तो इसका मैं आखिरी टर्म यहाँ नोट करता हूँ, तो हमें लास्ट टर्म क्या मिलने वाला है एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 8 का पावर एन प्लस 1 माइनस 2 मिलेगा, यह आपका आखिरी टर्म होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इनका साइड चेंज करें, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, अब अगर हम लोग इनका साइड चेंज करें तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास ये है 9 एन प्लस 1 है, 1 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसका साइड चेंज कर दें तो माइनस 8 टाइम्स एन प्लस 1, इधर हमें क्या मिल गया तो 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे हमारे बाकी टर्म्स हैं, बाकी टर्म्स हमारे यहाँ पे हैं, इनको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 8 का पावर एन माइनस 1, ये आपको टर्म्स मिल गए। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलना है कि 9 टाइम्स एन प्लस 1 माइनस 1 माइनस 8 एन माइनस 8 इक्वल्स टू में दिस, ये हमें मिलेगा प्लस 1 सी 3 एन प्लस 1 सी 2 है इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 8 का पावर एन माइनस 1, ये हमें मिलेगा। तो आप देखोगे जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो एन प्लस 1 माइनस माइनस 8 एन माइनस 9 इक्वल्स टू में हमें ये मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 64 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू में 64 इंटू में आप इसको क्या नोट कर पाओगे, जो भी आपके टर्म्स है ना कोई एक नंबर है, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पर हमें कोई एक नंबर तो मिलेगा, कोई हमें एक कॉन्स्टेंट मिलेगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोई हमें एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट मिलेगा कि 64 इंटू में के, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पूरा सॉल्व करो तो आपको एक 100% नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है, कुछ 8 के पावर्स के फॉर्म में आंसर आएगा या फिर पूरा पूरा आपका 8 का मल्टीपल्स का आंसर आएगा, कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जब सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पे कोई बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा। यानी जो इस फॉर्म का आपका यह नंबर है इसको आप क्या लिख पा रहे हो 64 इंटू के, मतलब 100% जो आपका यह नंबर है ये डिविजिबल बाई होगा के, हेंस द गिवन नंबर एन एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, मैंने के बोला था सॉरी, इज डिविजिबल बाई 64। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, तो मैंने इसका एक्सपेंशन यूज़ किया है, आपको इसको याद रखना है कुछ और नहीं है, सेम आपका वही एक्सपेंशन है ए प्लस बी का पावर एन ई वाला एक्सपेंशन है, बस यहाँ पे पावर एन के जगह पे हमने एन प्लस 1 यूज किया है और ए और बी के प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया है तो 1 और 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसी एक्सपेंशन को यूज़ करके हमने आपके इस क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं इसका सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आया होगा। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है कि 14 कि सिग्मा आर 0 से लेके एन तक 3 आर एन सी आर इक्वल्स टू में 4 का पावर एन, ये आपको प्रूफ करना है, इक्वल्स टू में 4 का पावर एन ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ताकि इसको हम लोग आखिर कैसे कर पाएंगे, देखो ये हमें दे रखा है आर आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा, आर आपका 0 से एन तक जाएगा और इसको प्रूफ करना है आप किसके इक्वल होगा तो 4n के इक्वल होगा, इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन नोट करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे नोट कर पाएंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं लिखना
आर हमारा जीरो होगा पहला टर्म, तो थ्री का पावर जीरो एन सी जीरो प्लस आर वन लेंगे तो थ्री का पावर वन एन सी वन प्लस थ्री का पावर टू एन सी टू प्लस हमें आखिरी टर्म क्या मिलेगा तो एन थ्री का पावर एन एन सी एन, ये आपको आखिरी टर्म मिलेगा। थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, एन सी जीरो थ्री का पावर जीरो प्लस एन सी वन थ्री का पावर वन प्लस एन सी टू थ्री का पावर टू एंड सो ऑन आपका एन सी एन थ्री का पावर एन, ऐसे मैं इसको लिख पाऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक्सपेंशन बताया था वन प्लस एक्स का पावर एन, अगर हम इसका एक्सपेंशन नोट डाउन करें, अगर हम लोग इसका एक्सपेंशन नोट डाउन करें तो हमें क्या मिलेगा, एन सी जीरो वन का पावर एन एक्स का पावर जीरो, यानी अब वन का पावर लिखने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, हम एन सी वन लिखें वन का पावर एन माइनस वन लिखें एक्स का पावर वन लिखें प्लस एन सी टू लिखें वन का पावर हम एन माइनस टू लिखें एक्स का पावर टू लिखें एंड सो ऑन एन सी एन हमें मिलेगा एक्स का पावर एन, ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको क्या सिंप्लीफाई करके ऐसे नोट कर पाऊंगा, एन सी जीरो एक्स का पावर जीरो एन सी वन एक्स का पावर वन एन सी टू एक्स का पावर टू एंड सो ऑन एन सी एन एक्स का पावर एन, क्योंकि वन का पावर यहाँ पे हमें वन दे रखा है ना, वन का पावर आप कुछ भी रख लो आना तो उसको वन ही है ना। तो आप कह सकते हो कि इसका जब एक्सपेंशन आप करते हो तो उसमें हमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलते हैं, तो अगर हम इस वाले को इससे कंपेयर करें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि x के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, थ्री है, क्या दिख रहा है, थ्री है। तो क्या आप इसको लिख पाओगे ऐसे वन प्लस थ्री का पावर n, x के प्लेस पे आपको थ्री दिख रहा है, यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो किसके इक्वल होगा, फोर एन के, यानी कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये हो गया प्रूव्ड, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, आशा करते हैं बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, थैंक यू।